तो 91 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिपाही और ASI के पद पर ट्रांसजेंडर को भर्ती करने का निर्णय लिया? किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने सिपाही और ASI को के पद पर ट्रांसजेंडर को भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो बिहार, याद रखोगे बिहार ने किया है, बड़ा अच्छा काम किया गया है नहीं। किस हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए पात्र है? शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए पात्र है, तो किस हाईकोर्ट ने ऐसा किया? तो इलाहाबाद, याद रखोगे इलाहाबाद में ये वाला सिचुएशन देखने को मिला। हाल ही में प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मानों में से एक आर्डरे नेशनल डू मैरिट से सम्मानित किया गया है, ये किस संस्थान से संबंधित है? तो IISC बेंगलुरु, याद रखेंगे IISC बेंगलुरु, याद रखोगे ठीक है। कि प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान आर्डरे नेशनल टू मैरिट, याद रखे सबसे पहला कि आर्डरे नेशनल टू मैरिट ये कहाँ का सम्मान है? फ्रांस का सम्मान है ठीक है। ये किसको देने की बात की जा रही है? तो प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले को। ये किससे रिलेटेड है? तो IISC बेंगलुरु से रिलेटेड है ठीक है। नेक्स्ट, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, तो रोनाल्डो क्या फुटबॉलर ठीक है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो जोसेफ बिकान, तो जोसेफ बिकान भी फुटबॉलर है, रोनाल्डो भी फुटबॉलर है, और आप देखोगे कि ज्यादा गोल करने के मामले में सबसे पहले जोसेफ बिकान का नाम आ रहा है, या दूसरा बोले तो रोनाल्डो, और जो कि अभी बोल सकते हो कि दोनों बराबरी करने का, तो मतलब रोनाल्डो ने बिकान के बराबरी किया है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से टॉप कॉरपोरेट लीडर्स 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया है? याद रखिए, है ना, क्या बोला जा रहा है कि टॉप कॉरपोरेट लीडर्स 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया है? तो आप देखोगे ये बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार का, MVA की CEO मिलिंद पंत का, नेस्डेक के उपाध्यक्ष एडवर्ड नाइट का, तो इन सब का चयन किया गया है। किस मामले में? तो टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स 2021 है ना, ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 17 जनवरी 2021 को लॉन्च किया? विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट तो नासा ने, याद रखेंगे नासा ने है ना 17 जनवरी को लॉन्च किया विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में UN कमीशन ऑन नारकोटिक्स ने किस मादक पदार्थ को सबसे खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी से हटा दिया है ठीक है? तो गांजा, याद रखोगे गांजा ठीक है। तो किस मादक पदार्थ को सबसे खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी में रखा गया? तो गांजा, सोचिए हीरोइन कोकीन मेथाडोन को नहीं, गांजा को सबसे खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी में मतलब से हटा दिया गया है ना, सबसे मतलब बाकी हीरोइन कोकीन मेथाडोन ये सब मादक पदार्थ है, गांजा खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता ठीक है। क्या जी रेशमा अपूर्वा ठीक है, जो भी क्लास कर रहे हैं ध्यान से सुने याद कीजिए। फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोन ने अपने देश अर्जेंटीना को किस वर्ष फीफा विश्व कप में जीत दिलाई थी? तो 1986। तो देखिए अभी आप देखोगे, अभी आपने देखा रोनाल्डो फुटबॉलर हैं, बीकान फुटबॉलर हैं ठीक है, सबसे ज्यादा गोल के मामले में आ रहा है नाम किसका? तो रोनाल्डो का तुलना किससे? बीकान से किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोन, मैराडोना, मैराडोना तो डोन जो होगा तो महान होगा ही, डॉन डॉन डॉन, तो मैराडोन किस खेल से? फुटबॉल से। तो इसने अपने देश अर्जेंटीना को किस वर्ष फीफा विश्व कप में जीत दिलाई? तो 1986 में दिलाई, 1986 में दिलाने का काम किया ठीक है। अमरीकी चुनाव 2020 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ठीक है, जिसका नाम है जो बाइडेन। अमेरिकी चुनाव 2020 में राष्ट्रपति कौन चुना हुए? तो जो बाइडेन। तो जो बाइडेन कहा के राष्ट्रपति? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार कब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था?
ठीक है। तो 1987 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था, सोच लीजिए। नेक्स्ट, अमरीकी चुनाव 2020 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित जो बाइडेन तथा कमला, तो याद रखिए राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, किस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो किस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो आप देखोगे डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है। नेक्स्ट,